आज हम बात करते हैं रेटो फाइव फोर वेदर फ्रेग्रेंस जो कि अभी खजान आने वाला है उसके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, ये फ्रेंच हाउस है मुगलार, प्योर हवान इसका फ्रेग्रेंस का नाम है, 100 ml बोटो है, अराउंड आपको 14 से 15 हज़ार में मिल जाएगा। बहुत ही नाइस फ्रेग्रेंस है, गुरमांडी फ्रेग्रेंस है। इसके जल्दी मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। नोट्स इसमें ये है जी, टोबैको लीफ है, हनी है, पेचुली है, क्यूबन सिगार है, वनीला है, कोको है, और उसके बाद लेबनम और एम्बर है। ठीक है, बहुत ही नाइस फ्रेगरेंस है ये। आपको इसको लाइक अगर आप मार्केट वगैरह में हैं और जाकर शॉपिंग मॉल में हैं, अगर लेडीज आपसे पास से गुजरेंगी आपको डेफिनेटली इसे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, क्योंकि इवन कोई भी पास से गुजरेगा डेफिनेटली उसका हेड टर्निंग होगा, क्योंकि आप वो आपसे लाजमी ये पूछेगा कि आप कौन सा फ्रेगरेंस यूज़ कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंस है, 2009 में रिलीज हुआ था, जी प्योर हवान फ्रॉम मुगलार। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं जी सेंटा रॉयल कर्लान। इसकी जो क्वालिटी है नीश नीश जैसे नीश फ्रेगरेंस होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसकी ये बेसिकली इनका मैं प्राइवेट ब्लेंड नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और कर्लान है और इसकी प्राइस में बहुत डिफरेंट है। ये 125 ml का है, समटाइम ये ऑफर्स पे लगे होते हैं तो मैंने ये ऑफर पे उठा लिया था। बेसिकली इसकी स्मेल, इसमें ऊद है, रोज़ है, और उसके बाद मैं बात करूँगा लेदर है, सैंडलवुड है, नेरोली है, बहुत सारे इसमें नोट्स हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किए हुए हैं, और इसकी स्मेल आपको 10+ आवर मिलेगी। ठीक है, परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है इसमें। बेसिकली मैं इसको स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करता हूँ, अगर मैंने शाम को इवनिंग में बाहर जाना हो या शादी वगैरह हो या कोई स्पेशल मीटिंग हो। बेसिकली ये वेरी यूनिक फ्रेगरेंस है, और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसिकली ज़्यादातर फ्रेगरेंस आजकल मॉलिक्यूल्स को मिक्स करके ये बनाया जाता है, लेकिन ये जो फ्रेगरेंस है इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, और इस वजह से इसकी प्राइस हाई है। ये था जी सेंटाल रॉयल फ्रॉम गर्लान। बेसिकली ये यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, औरतें भी लेडीज वगैरह भी पहन सकती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ जी इजी मियाँ की गुडवुड। मैंने इसको पहले भी रिव्यू किया था, लेकिन इसका मैंने इंडिविजुअल रिव्यू नहीं किया, जैसे कि सेंटाल रॉयल का भी मैंने इंडिविजुअली रिव्यू नहीं किया, इंशाल्लाह वो सुन करता हूँ। लेकिन ये जी गुडवुड ये रिलीज हुआ था 2019 में, ये बेसिकली फ्रूटी स्वीट फ्रेगरेंस है, और इसकी ओपनिंग में आपको ज़्यादातर फ्रूट ग्रेप फ्रूट मिलेगा, और उसके बाद मैं बताऊँ कि कार्डमन है, अम्बरोक्सीम है, एप्रिकॉट है। इसकी स्मेल अमेजिंग है, ज़्यादातर आपको स्टे नहीं करेगी, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम आपके कपड़ों पर स्टे इसके है, लेकिन इसकी आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलेंगे। स्मेल बहुत नाइस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इजी में आएगी तो बहुत कहेंगे कि सुपर हिट फ्रेगरेंस है, ये नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल फ्रेगरेंस उन्होंने रिलीज़ किया था, कैजुअल मेरे का कैजुअल आप पहन सकते हैं, और इसमें फ्रेशनेस है और स्वीट है, आप बेसिकली आप वर्सेटाइल फ्रेगरेंस है, साल में आप किसी टाइम पहन सकते हैं, 100 ml बोटल है, और इसकी प्राइस बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उन आपको 13 से 14 हज़ार की प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी डियोर होम इंटेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मुझे टॉप 5 डिज़ाइनर फ्रेगरेंस चूज़ करने पड़ेंगे, ये उन फ्रेगरेंस में लाजमी होगा। बेसिकली ये 2014 में सॉरी 2011 में रिलीज़ हुआ था, इसमें लेदर है, एम्बर है, वनीला है, और बेसिकली ये स्वीट टॉप फ्रेगरेंस है। बहुत सारे लेडीज इसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे जो मेंस है वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपको लिपस्टिप की वाइप देता है। ठीक है, और इसकी जो एनमाइजर है वो बहुत नाइस है, जैसे कि मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, और बेसिकली ये रोटेशन में मेरे फ्रेगरेंस होते हैं, कभी मैं मूड पे है, वेदर पे है, ज़्यादा हॉट है तो मैं इजी मियाँ की यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं बात करूँगा जो कि मेरा इनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है जी लाहौम आइडियल गर्लान, फ्रेंच हाउस है, और इनके सारे फ्रेगरेंस समथिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है, यूनिक होते हैं, लेकिन इसकी स्मेल, इन सब फ्रेगरेंस को मैंने अभी रिव्यू किया, इसकी स्मेल सबसे बेस्ट है। इसकी परफॉर्मेंस 4 से 5 घंटे है,
बेसिकली आप सर्दियों में जैसे कि खजान आने वाला है उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बॉटल है, बहुत ही खूबसूरत कैप है और ये काफ़ी सिक्योर कैप है। इसका मैं आपको थोड़ा सा नोट्स ब्रेक डाउन कर देता हूँ। उसके बाद इसमें रोजमेरी है और आलमंड है और टोंका बीन है, कर्मांडी फ्रेग्रेंस है। टोंका बीन स्वीट है लाइक इतना ज़्यादा। और उसके बाद बात करेंगे आलमंड यानी बादाम है, ये खूबसूरत गर्मांडी टाइप फ्रेग्रेंस है। ये EDT वर्जन है, मतलब एदे टॉयलेट है। और परफॉर्मेंस का इसका थोड़ा सा इशू है। अगर आप इसमें रोजमेरी है, आपको चेरी और आलमंड की खुशबू आपको इसमें मिलेगी, लेकिन हर कोई नो सेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तकरीबन अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर 50 लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, मेरे 15 या 20 इसको जैसे बादाम की स्मेल या फिर रोजमेरी की स्मेल या चेरी की स्मेल स्मेल कर सकता है। बेसिकली ये बीस्ट है कॉम्प्लीमेंट। अगर आप लाइक करते हैं कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स दे, ये बीस्ट है। आप अपने कपड़ों पे स्किन पे लगा लें। बेसिकली अगर आप सर्दियों में किसी डेट पे जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो अगर आपने उसको ये नहीं बताया आपके पास ये फ्रेगरेंस है, डेफिनेटली शी गोना लव इट। बहुत नाइस कर्मांडी फ्रेगरेंस है, सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे यहाँ इधर। और ये थे मेरे टॉप 5 जो कि खजान वेदर के या सर्दियों के फ्रेगरेंस। इंडिविजुअली मैं कुछ परफ्यूमों का रिव्यू करूँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।